सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचआर अकेडमी पर। मैं सुमित ठाकुर। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम 12th क्लास का 4th चैप्टर जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध, ठीक है, इंडियाज फॉरेन रिलेशन। तो हम इसमें समझेंगे कि इंडिया के जो फॉरेन रिलेशन है यानी विदेश देश जो भी आपके और कंट्री है अदर कंट्रीज उससे कैसे रिलेशन है। जैसे एग्जांपल फॉर इसमें हम चाइना के बारे में पढ़ने वाले हैं, चाइना से हमारे कैसे रिलेशन थे और अब कैसे हैं, इंडिया और आपके बांग्लादेश से कैसे रिलेशन है, ठीक है, आपके बांग्लादेश को किस तरीके से आज़ाद कराया, पाकिस्तान से कैसे रिलेशन है। उसके बाद आपके दो तीन टॉपिक न्यू ऐड हुए हैं जैसे कि अमेरिका, इसराइल, रसिया, ठीक है, और आपका जापान वगैरह। तो इसको हम पढ़ेंगे सत्ता के नए केंद्र में। इसमें हम पढ़ लेंगे अमेरिका के बारे में और आपका इसराइल के बारे में। बाकी तो जब हम दक्षिण एशिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भूटान वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे, फिर सत्ता के नए केंद्र पढ़ेंगे तो उसमें हम जापान वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है ना, अमेरिका के बारे में दोबारा उसमें पढ़ना है हमें। तो इसमें हम सिर्फ दो टॉपिक ऐड करके पढ़ेंगे, एक अमेरिका वाला और एक इसराइल वाला, ठीक है ना। तो अच्छे से समझेंगे चैप्टर को, अच्छे समझना और आराम से आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा, बिना कोई टेंशन के लेने कोई बात नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले टॉपिक दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ यानी इंटरनेशनल रेफरेंस। उस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चीज़ें चल रही थी, तो आपको एक चीज़ ध्यान में होनी चाहिए, 1947 के अंदर ही ना बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, ठीक है। इंडिया भी तभी आज़ाद हुआ था 1970 के अंदर, 1947 के अंदर बहुत सारे देश आज़ाद हुए, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह। पाकिस्तान तो इंडिया से बना था 1947 में। तो इस चीज़ को समझो, इस टाइम पे क्या होने लग गया भाई, अब नए नए देश जो थे, नए नए देशों के सामने क्या क्या चुनौती आ रही थी, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे जो आपकी न्यू न्यू कंट्री आज़ाद हुई थी। तो दो सबसे बड़ी चुनौती आ रही थी, कौन सी, फर्स्ट तो आपकी ये वाली आ रही थी, संप्रभुता को बचाए रखना। संप्रभुता यानी सोवरेनिटी का मतलब समझना, जो जो अभी हमें आज़ादी मिली है यानी 1947 में देश आज़ाद हुए नए, तो इनको जो आज़ादी मिली है इसको बनाए रखना, ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं संप्रभुता, ठीक है ना। जो आज़ादी मिली है उसको बनाए रखना और शांति कायम करके, सेकंड पॉइंट क्या है, शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना, मतलब शांति बनाए रखना, ठीक है ना, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने, अपनी शांति बना के रखनी है, क्योंकि नए नए देश आज़ाद हुए हैं, ठीक है। बड़ी कंट्रियाँ जो है वो एक सार की मान लो और छोटी छोटी मछलियों में मुँह मारेगी, तो उस टाइम पर वर्ल्ड दो चीज़ों में भी डिवाइड था, अभी उसको भी अच्छे से क्लियर करेंगे। बस अभी इतना समझो कि नए देशों के सामने बहुत ज़्यादा दो चैलेंजेस आ रहे थे, एक सोवरेनिटी को बनाए रखना, अपनी संप्रभुता को बनाए रखना, जो जो हमें आज़ादी मिली है, ठीक है, उसको अभी तक बनाए रखना। सेकंड पॉइंट क्या है, शांति कायम करके, मतलब किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करना, अगर तुम किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करोगे तो फिर वो आप पे अटैक नहीं करेगा और आपकी जो बाउंड्री है उस पे कब्जा नहीं करेगा। तो ये दो मुसीबतें आ रही थी भाई, किसी से बोल नहीं पा रहे थे छोटे छोटे जो भी देश आजाद हुए थे। तो दो पॉइंट आपको समझ आए, नए देश जो भी नए देश आजाद हुए थे, दो क्या चुनौती आ रही थी सामने, इतना क्लियर हुआ। अब एक और पॉइंट समझो, 1942 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 1942 में क्या बनी थी भाई, इंडियन नेशनल आर्मी बना ली थी सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस। लोग दोस्तों इंडिया में रह के मूवमेंट आंदोलन के लिए लोग इकट्ठे नहीं कर पाते भाई, सुभाष चंद्र बोस ने विदेश में इंडियन नेशनल आर्मी खड़ी कर दी थी, किसके लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए। कब करी थी, 1942 के अंदर। तो समझ आ गया, आपसे वन मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, या तो ये पूछ लेगा भाई कि इंडियन नेशनल आर्मी की फुल फॉर्म बताओ, वो आप बताओगे, या फिर ये पूछ लेगा जो इंडियन नेशनल आर्मी है किसने बनाई, तो बताओगे सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। ये पूछ लेगा कब बनाई, तो बोलोगे 1942। तो तीनों इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, वन मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये दो मुसीबतें समझ आ गए, नई कंट्री हो गए। अब सेकंड मुसीबत देखो, प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जो भी डेवलपिंग कंट्री थी, पहले डेवलपिंग का मतलब समझो, ठीक है, इसकी हिंदी ये नहीं है दोस्तों, इसकी हिंदी क्या बनेगी आपकी, कि जो भी विकासशील कंट्री थी, जो भी विकासशील देश थे, इनके आगे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वो तो हमने नए देशों के बारे में पढ़ा ना। अब जो जो विकासशील कंट्रियाँ थी जैसे कि इंडिया हो गई, चाइना हो गई, इनके सामने प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी। अब पहले डेवलपिंग का मतलब समझो क्या होता है, विकासशील का मतलब आपने सुना होगा, अंडर डेवलप, जो बिल्कुल डेवलप्ड नहीं है, एकदम खत्म है, ठीक है ना। एक होता है डेवलपिंग, जो डेवलप कर रहा है, ठीक है, रहा रही है, आईएनजी लग गया, डेवलपिंग यानी जो डेवलप कर रहा है, और डेवलप्ड यानी जो डेवलप हो चुका है। तो डेवलप्ड में कौन कौन आ जाएगा आपका, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, डेवलपिंग में इंडिया, चाइना वगैरह, अंडर डेवलप में आप अफ्रीका वगैरह आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीन टाइप की कंट्री होती है, ठीक है। अब डेवलपिंग कंट्री मतलब हम बीच वाली कंट्री की बात कर रहे हैं, जो डेवलप कर रही है, इनके सामने क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इनके सामने दोस्तों दो प्रॉब्लम आ रही थी, इनके लिए घरेलू यानी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों वातावरण इनके लिए चेंज था। अब आप बोलोगे घरेलू क्यों चेंज था, घरेलू दोस्तों इसलिए चेंज था, आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पर नई नई आज़ाद हुई है, जो टेक्नोलॉजी वगैरह इसके पास नहीं होगी, पैसा भी नहीं होगा, पैसा चाहिए भाई, तो उस टाइम पे अंदरूनी भी चीजें गड़बड़ चल रही थी, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो गया था, पूरा वर्ल्ड दो भाग में डिवाइड हो गया था। अब अच्छे से समझना, पूरा वर्ल्ड किसमें, दो भागों में। इतना याद रखो कि 1940 से 1918 तक क्या हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर 1939 से 45 तक कौन सी हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर। फिर 1945 से आपका स्टार्ट हुआ था कोल्ड वॉर। यहां तक क्या हो रहा था, बहुत सारी महाशक्तियां थी,
यहाँ के बाद जैसे ही हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने बम गिराया, अब सिर्फ दो महाशक्तियां बची थी, एक आपका अमेरिका, एक आपका रशिया। रशिया इधर पड़ता अमेरिका। अब इन दोनों के बीच था कि हमें एक को महाशक्ति बनना है, तो ये क्या बनना था, ये इससे ऊपर जाने की सोच रहा था, रूस अमेरिका से ऊपर जाने की सोच रहा था। तो इनमें हथियारों की होड़ लगी रही, आपस में लड़ाई कभी नहीं हुई, गोली भी हमने सामने कभी नहीं चली इन दोनों ने। इनके जो चेले चपाटे थे उन्होंने आपस में मार कुटाई बहुत करी है, लेकिन इन दोनों ने कभी आमने सामने गोली नहीं चलाई, इसलिए इसको बोला गया कोल्ड वॉर। ठीक है ना, 1945 से 1990 तक चला था ये। तो उस टाइम कितनी महाशक्तियां बन गई थी, दो। अब दोनों महाशक्ति चाहती थी कि हमारी विचारधारा से बहुत सारे देश मिल जाए। तो जितना भी पूर्वी हिस्सा था, पूर्वी हमेशा सीधा हाथ क्या होता है, पूर्वी। अब आप बोलोगे जहां मैं बैठा हूँ, हाँ तुम्हारे लिए सीधा हाथ ये होगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो हिस्सा था, पूर्वी वाला हिस्सा, मैं यहाँ हूँ तो मैं तो यही बोलूंगा ना, पूर्वी वाला हिस्सा पूरा रशिया की साइड चला गया था, पश्चिम वाला हिस्सा पूरा अमेरिका की साइड चला गया था, ठीक है। तो ये सिस्टम बन गया था। तो अमेरिका वाले हिस्से को फर्स्ट दुनिया बोला गया, पहली दुनिया, इसको सेकंड दुनिया बोला गया। इंडिया ने बोला ना मैं इसमें मिलूंगा ना मैं इसमें बोलूंगा, मैं अपनी तीसरी दुनिया बनाऊंगा गुटनिरपेक्ष। तो उसने गुटनिरपेक्ष बनाया, पांच देशों के साथ मिल गए, ठीक है ना। वैसे इंडिया ठसे ठसे में मिला किससे था, रशिया से। ये बहुत गंदी गेम थी दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान किससे मिला हुआ था, अमेरिका से। अब वो अमेरिका से मिल नहीं सकता था, क्योंकि पाकिस्तान भाई किससे मिला हुआ, अमेरिका से। अब तुम सोचो एक गैंग है, तुम्हारा दुश्मन इस गैंग में, तो तुम कभी इस गैंग में जाना पसंद नहीं करोगे, तुम दूसरी गैंग चुनोगे, ठीक है ना। तो इसलिए ठसे ठसे में किससे मिला हुआ था, रशिया, जिससे उसको भी ना पता लगे अमेरिका को हम इससे मिले हुए हैं। अभी आगे पता लग जाएगा, क्योंकि इंडिया रशिया ने हमारी मदद भी करी थी भाई, अभी अच्छे चर्चा करेंगे। तो हमें अभी दो मेन चीज पड़ी, क्या घरेलू वातावरण, इंटरनेशनल वातावरण, दोनों चेंज था किसके लिए, डेवलपिंग कंट्री। इंटरनेशनल क्यों चेंज था, दो महाशक्तियों के कारण, और डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थे, पैसा नहीं था, विकास करना था जल्दी जल्दी। इस कारण जो भी आर्थिक, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी, ठीक है, सुरक्षा और आर्थिक के लिए पावरफुल कंट्रियों के पास डिपेंड होना पड़ता था, यानी पावरफुल कंट्रियों के पास जाना पड़ता था, किनको, विकासशील देशों को। समझ आया आपको, निर्भर थी पूरी इकोनॉमिकल, क्योंकि बड़ी शक्तियाँ बोलती है तू आजा मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, तू आजा, कोई तरह से फालतू नहीं बोलेगा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्या करा, जितनी भी कंट्रियाँ थी उनको अपने पास बुलाया, अमेरिका ने भी और रशिया ने भी। तो दो हमने चीज़ पढ़ी, क्या क्या पढ़ी अभी, कि नए देशों के साथ क्या प्रॉब्लम थी और डेवलपिंग कंट्री के साथ क्या प्रॉब्लम थी। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कि नेहरू की विदेश नीति और भारत की विदेश नीति। आप क्वेश्चन, अब क्या हो जाता है, क्वेश्चन आ जाता है ना, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, कैसे कन्फ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पर लिखा आ जाता है नेहरू की विदेश नीति बताओ, फिर वहाँ लिखा आ जाएगा कि भाई आपकी भारत की विदेश नीति। तो बच्चा बोलता है मैं तो नेहरू की विदेश नीति पढ़ के आया था, क्वेश्चन भारत की विदेश नीति आ गया, मैं तो नहीं पढ़ के आया। अबे उल्लू हो, नेहरू की विदेश नीति इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि नेहरू का योगदान है, नेहरू ने बनाया है। भारत की विदेश नीति इसलिए बोला जाता है कि भारत की नीति, दोनों क्वेश्चन क्या है एकदम सेम, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी क्या क्या विदेश नीति है, ठीक है। 6-7 पॉइंट है, बहुत ईजी पॉइंट है, आपको समझ आ जाएगा। सोवेरिटी में बता देता, संप्रभुता, जल्दी से कमेंट करके बताओ, संप्रभुता बनाए रखना, मैंने बताया था क्या था, ठीक है ना। संप्रभुता यानी जो हमें अभी अभी आजादी मिली है इसको बनाए रखना है, पहला विदेश नीति में ये, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, फास्ट करना, जल्दी जल्दी करना है, कौन सा, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या करना है, तेजी से करना है। उसके बाद यूएनओ के सिद्धांत, जो भी यूएनओ के सिद्धांत होता है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। जिस तरीके से एक देश को, एक राज्य को हाई कोर्ट चलाता है, एक देश को सुप्रीम कोर्ट चलाता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत का ही तो हेड है भाई न्यायालय के मामले में, ऐसे वर्ल्ड लेवल पे भी न्यायालय होता है जो किसके अंडर काम करता है, यूएनओ के अंडर, ठीक है ना। तो बहुत सारी, जैसे आपने सुना होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाली बुक में, अभी इतना समझो, ठीक है। तो यूएनओ के सिद्धांत को फॉलो करता है, फॉलो करना चाहिए, इंडिया बोलता है कि भाई हमें यूएनओ के जो भी सिद्धांत निकलते हैं उसे फॉलो करना चाहिए, बट इंडिया नहीं करता। अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इंडिया ने नहीं करा, फॉलो नहीं करा, क्यों, क्योंकि इसमें इंडिया की भी गलती नहीं है, इसने भाई अब ऐसा चीज ही रखी थी, ऐसी बात ही रखी थी, तो इंडिया ने इसको फॉलो नहीं करा, इंडिया ने जो बात, इसने जो बात रखी उस पर इंडिया ने सिग्नेचर नहीं करे। आगे पढ़ेंगे, बस इतना याद रखना कि इंडिया ने इसकी बात नहीं सुनी, आपको क्लिक करा दूंगा। रंग भेद का विरोध करना, रंग भेद से आप समझ गए होंगे, जो भी गोरे काले का भेद साउथ अफ्रीका में इतना ज्यादा चला था, ठीक है, नेल्सन मंडेला, आपने नाम सुना होगा, तो रंग भेद का विरोध करता है इंडिया। रंग भेद के साथ साथ तीन चीजों का और विरोध करता है, रंग भेद का विरोध करता है आपका साम्राज्यवाद का विरोध करता है, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। अब बोलोगे इसको बोलते हैं कॉलोनिज्म, इसको बोलते हैं इंपेरियलिज्म। उपनिवेशवाद क्या होता है, जब भी कोई पावरफुल कंट्री दोस्तों कमजोर कंट्री पर अपना शासन स्टैब्लिश करती है, ठीक है ना, उसके संसाधनों का यूज करने लगती है, इसको बोलते हैं उपनिवेश। बट इसकी जो प्रक्रिया होता है, एकदम से तो कब्जा नहीं करती, धीरे 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 कब्जा करती है, जो धीरे धीरे कब्जा करने की प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद। क्योंकि वाद का मतलब हमेशा इज्म, इज्म वाद का मतलब क्या, इज्म, जहां वाद इज्म लग जाए वो क्या हो जाते हैं, विचारधारा। तो मतलब आप इसको अच्छे तरीके से समझना, अंग्रेजों की एक विचार, ये तो मैंने डेफिनेशन बताई, अंग्रेजों की ऐसी विचारधारा थी कि हमें क्या करना है, हर जगह जाके कॉलोनी बनानी है, कॉलोनी यानी उपनिवेश बनाने। तो ये अंग्रेजों की क्या थी, विचारधारा। तो मतलब वाद का मतलब होता है विचारधारा, ठीक है ना। तो क्या बनानी है, कॉलोनी बनानी है, तो उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म, कॉलोनी बनानी है, और ये अंग्रेजों की विचारधारा थी, तो कॉलोनिज्म, ठीक है ना, रटना कुछ भी नहीं है। साम्राज्यवाद, वही आपके साम्राज्य को बढ़ावा देगा,
क्या करना, कब्जा करते रहना और साम्राज्य में कब्जा करना, अपना साम्राज्य बढ़ाते रहना, इसको बोलते हैं साम्राज्यवाद। तो आपको समझ आ गया होगा रंगभेद, साम्राज्यवाद, उपनिवेश, इन तीनों का विरोध करता कौन? इंडिया। ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि इंडिया पे बीती हुई चीजें है ये। इंटरनेशनल रूल्स, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी रूल्स वगैरह आते हैं इसको अच्छी तरीके से फॉलो करना है, कभी मना नहीं करना, जो यूएन ने बोला है उस बात को मानना है, ठीक है ना। तो ये चार पांच पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब आगे समझना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, ठीक है ना। तो आपको ये समझ आया होगा, क्षेत्रीय अखंडता मतलब समझ गए ना भाई, जो भी हमारा क्षेत्र है, जो भी एरिया है उसको अब बचाए रखना भाई। अब किसी, अब आप क्या कर रहे हो भाई, अब चाइना क्या कर रहा है, तिब्बत को छीन रहा है, तो उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है, तिब्बत को छीन रहा है, अभी हम पढ़ेंगे तिब्बत को छीन रहा था, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान नहीं करना, उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, उसकी बाउंड्रीज वगैरह जो है उस जितना एरिया उसको देना, ये नहीं उसका एरिया पर कब्जा कर लेना, ठीक है ना। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब समझ गए होगे। अब समझ लो, ये मैंने बता दिया सर नाटो और वार्सा पैक्ट के बारे में, एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नहीं दोस्तों, ये इंटरनल है, क्या कर दिया भाई ये, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटरनल मामलों में यानी आपके जो पर्सनल मामले होते हैं, इंटरनल मामले, इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर नहीं करना भाई। अब मानो जैसे इंडिया के अंदर, मान लो हमें कश्मीर को लेना है, ठीक है, कश्मीर हमारा, हम कश्मीर की मांग रख रहे हैं। अब क्या कर रहा है चाइना, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, नहीं भाई कश्मीर तो क्या है उसका है, क्या नाम है पाकिस्तान का, तो वो हमारा क्या कर रहा है, इंटरनल मामला है हमारा, कश्मीर मुद्दा क्या है, इंटरनल मामला है, इसमें इंटरफेयर कौन कर रहा है, चाइना। तो ये ना करना, हमारी विदेश नीति में लिखा हुआ है। साम्राज्यवाद का क्या करना, विरोध करना है, बता चुका हूं, ठीक है। गुड निरपेक्ष को फॉलो करना, मैंने बताया था ना तीसरी दुनिया कौन सी, गुड निरपेक्ष वाली। तो इंडिया बोलता है विदेश नीति में गुड निरपेक्षता को फॉलो करना चाहिए। इसके अंदर क्या हो रहा है, हम क्या रखेंगे, जो भी कोल्ड वॉर हो रही है, जो अमेरिका और रूस के बीच जो भी कोल्ड वॉर हो रही है, इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं बनने देना, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से चलाए रहना, दोनों को ठंडा करके रखना, ठीक है, कोल्ड करके रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आपका आता है नाटो, आपको मैंने बताया 1949 में नाटो बना था। नाटो किसका था, अमेरिका का। कितने देश शामिल थे, 28, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये फर्स्ट चैप्टर में। 1955 में आपका वारसा पैक्ट बना था, ठीक है ना। वारसा पैक्ट किसके द्वारा बनाया गया था, आप समझ गए होगे एकदम, रशिया की तरफ से, यूएसएसआर। 1956 में आप समझना एक चीज, 1956 में क्या होता है दोस्तों, ब्रिटेन ना स्वेज नहर पे हमला करता है, मिस्र की नहर है, स्वेज नहर, उस पर क्या करता है, हमला करता है। और ब्रिटेन कहाँ से था, नाटो से था, तो गंदा वाला विरोध करता है इंडिया, इंडिया विरोध करता है किसका भाई, नाटो का, क्या आपने गलत करा। उसी टाइम पे आपका यूएसएसआर हंगरी पे अटैक करता है और इंडिया इसमें विरोध नहीं करता है, इंडिया कुछ भी नहीं बोलता है। तो इसका मतलब आपके ध्यान में एक बात आ रही होगी जो मैंने आपको बताई कि ठस्से में यूएसएसआर से मिला हुआ था दोस्तों इंडिया, ठीक है ना। इस कारण यहाँ पे जब यूएसएसआर ने उसी टाइम हमला करा तो इंडिया ने इसका विरोध नहीं करा। यहाँ से अमेरिका को धीरे धीरे समझ आने लग गया कि इंडिया तो ठस्से में मिला हुआ है रे यूएसएसआर से, ठीक है। इस कारण शुरुआती संबंध हमारे अच्छे नहीं थे अमेरिका से, क्योंकि उसमें पाकिस्तान था और हम रशिया की साइड थे। अब समझो, अब बहुत सारी कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, ठीक है, बैठक वगैरह हुई, इसमें अब थोड़ा दिमाग लगाना, बैठक वगैरह कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, ठीक है। अब पहली कॉन्फ्रेंस होती है हमारी 1947 में, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। पहले कौन सी होती है, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। इसके अंदर तीन चीज होती है, इसमें पहली बात बोला जाता है कि दो बड़ी जो महाशक्तियां उसमें नहीं मिलना, मतलब महाशक्तियों में नहीं मिलना, ये बात रखते हैं। दूसरा, आर्थिक इकोनॉमिकल जो भी चीज़ें चल रही है उसका डेवलपमेंट क्या करना, जल्दी जल्दी करना, इकोनॉमिक जो भी साथ में मिलके हम क्या करेंगे भाई, आर्थिक सुधार करेंगे, ठीक है ना, साथ में मिलके। तो ये बातें रखी गई, और इसमें बातें रखी गई महाशक्तियों से नहीं मिलना। उस टाइम पे कोई गुटनिरपेक्ष वाली कोई विचारधारा पनपी नहीं थी, बट ये बोला था कि आप इन दोनों से नहीं मिलना, गुटनिरपेक्ष की विचारधारा किसी और में पनपेगी, समझ आ गया। आर्थिक विकास करना और अपने कल्चर को, एक दूसरे के कल्चर को क्या देना, बढ़ावा देना, एक दूसरे के कल्चर को बढ़ावा देना। तो ये तीन बातें रखी गई एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि 1947 में हुई थी। अच्छा, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस थी क्या, तो सारे के सारे जितने भी एशिया के देश थे वो सारे के सारे इसमें आए थे, सबने एक बैठक की थी और ये तीन बातों को रखा गया था, ठीक है। फिर 1949 में होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अब ये क्यों हुई थी, ये इसलिए हुई थी क्योंकि उस टाइम पे जो इंडोनेशिया था इसको आजाद कराना था डच से, डच लोगों का शासन चल रहा था किस पे, इंडोनेशिया पे। डच को आजाद कराना था भाई, और डच से आजाद करा था, डच कहाँ रहते हैं, तो आपका नीदरलैंड पड़ता है यूरोप के अंदर, वहाँ डच भाषी लोग हैं, तो डच भाषी लोगों ने राज कर रखा था इंडोनेशिया पे, इसको आजाद कराना था। इस कारण क्या होता है भाई, 1949 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी जाती है और फिर डच को, इंडोनेशिया को क्या कर दिया जाता है, आजाद कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद 1955 में होता है एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, इसको बांडुंग सम्मेलन भी बोला जाता है। ये बांडुंग में हुआ था इसलिए इसको बांडुंग सम्मेलन बोला जाता है। इसके अंदर क्या होते हैं, सारे अफ्रीका के देश और सारे एशिया के देश आए थे, ठीक है। इसमें बात रखी गई थी आपकी कि गुटनिरपेक्ष वाली, ठीक है, गुटनिरपेक्ष वाली बात रखी गई थी इसमें कि हमें गुटनिरपेक्ष को बनाना चाहिए, तीसरी दुनिया बनानी चाहिए। तो इसके अंदर क्या बनी थी भाई,
फर्स्ट मीटिंग नहीं हुई, बस ये नॉर्मली बात रखी गई इस बैठक में कि हम कुछ ऐसा बनाते कुछ ऐसा करते, तो इसमें विचारधारा है कौन सी गुड निरपेक्ष वाली, इसमें पनप गई थी विचारधारा आइडियोलॉजी कि हम गुड निरपेक्ष को बनाएंगे भाई ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, 90 सितंबर 1961 के अंदर बेलग्रेड के अंदर पहला गुड निरपेक्ष का सम्मेलन कर दिया, पहली मीटिंग कर दी गुड निरपेक्ष की और गुड निरपेक्ष को एस्टैब्लिश कर दिया गया। तो हमने चारों पढ़ा जो आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नहीं हुआ तो आप समझो। आज हमने सबसे पहले पढ़ा उसके बारे में नए देशों के आगे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, फिर हमने पढ़ा डेवलपिंग कंट्री की क्या क्या प्रॉब्लम थी, फिर हमने पढ़ा नेहरू की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति, फिर हम पढ़े कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हुई। तो 1947 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, तीन बातें रखी गई कि आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, कल्चर को बढ़ावा देना है एक दूसरे को, ठीक है ना, और बड़ी महाशक्तियों में नहीं मिलना है। दूसरा 1949 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें बोला जाता है कि जो आपका इंडोनेशिया वाला हिस्सा है, ठीक है ना, इसको आजाद कराना किसे, एडस से। और आपका 1955 के अंदर एफ्रो एशिया सम्मेलन होता है, ठीक है, इसको बांडुंग सम्मेलन भी बोला जाता है। इसके अंदर दो क्वेश्चन पूछ लेगा 1955 में, वन नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1955 में कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो आप लिखना बांडुंग कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे बांडुंग कॉन्फ्रेंस होगी या फिर एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस। इसके अंदर मैंने बताया क्या हुआ, गुड निरपेक्ष की बात रखी गई और पहली मीटिंग कब हुई, सितंबर 1961 में, ठीक है, बेलग्रेड के अंदर पहली गुड निरपेक्ष की मीटिंग हुई। ये थी आपकी चारों कॉन्फ्रेंस और जितना पढ़ा उतना पूरा लाइन बाय लाइन एक चैप्टर, ठीक है। अब देखो, अब आ जाओ, हम पढ़ने वाले थे ना, तो किस किस के बारे में पढ़ेंगे, चीन से कैसे रिलेशन है, पाक से कैसे रिलेशन है, बांग्लादेश से कैसे रिलेशन है, अमेरिका से कैसे रिलेशन है और इजराइल, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है आपको लग रहा होगा, इजराइल से कैसे रिलेशन है। तो ये तीनों तो बुक में दे रखा है, ये दोनों नहीं दे रखा है, इसलिए ये दोनों में पढ़ाऊंगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है दोस्तों ये, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है तो ये आराम से पढ़ लो आप लोग, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं ही बनते, लॉन्ग इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते, वन मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। तो समझना, चीन के साथ शांति और संघर्ष। अब क्या होता है, चाइनीज रेवोल्यूशन होती है, कब होती है आपकी चीनी रेवोल्यूशन, चीनी क्रांति कब होती है, 1949 के अंदर, और चीन क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है 1 अक्टूबर 1949 में चीन आज़ाद हो जाता है, ठीक है, जो चाइना के अंदर रेवोल्यूशन क्रांति होती है। आज़ाद होते पहले स्टोरी बाय सुन लो, फिर हम ऐसे समझ लेंगे, स्टोरी से सुन लो पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, चाइना जैसे आज़ाद होता है वो बोलता है तिब्बत वाला मेरा हिस्सा है, क्योंकि चाइना के नीचे ही पड़ता है आपका तिब्बत, ठीक है, मैप में भी समझेंगे, चाइना के नीचे क्या पड़ता है, तिब्बत पड़ता है। उसने बोला ये मेरा हिस्सा है भाई, ठीक है, मुझे ये हिस्सा चाहिए, तो उसने क्या करना, अपने लोग ज़्यादा कहाँ भेजने लग गया, तिब्बत में ज़्यादा पॉपुलेशन अगर वहाँ पे चाइना के लोग हो जाएंगे तो चाइना बोल सकता है मेरे ज़्यादा लोग हैं, तो तिब्बत किसका है, मेरा। तो तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश करता है 1950 के अंदर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद क्या है, शुरुआती रिलेशन ना इंडिया के बहुत प्यारे थे चाइना से, बहुत अच्छे रिलेशन थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बट धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, रिलेशन बिगड़ने का कारण तिब्बत ही था, ठीक है। तिब्बत को हमने तो अपनी सच्चाई की बातें रखी, बचाना चाह रहे थे। इसके बाद थोड़ी बहुत अनबन होने लग गई, तो क्या करा भाई, जल्दी से चाउ एन लाई और आपके नेहरू जी ने, कौन कौन उस टाइम चीन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, चाउ एन लाई, और इंडिया की तरफ से कौन थे, नेहरू जी, दोनों ने पंचशील समझौता करा। अब बालों के पंचशील समझौता क्या है, ये पंच यानी पांच, शील यानी शांति, मतलब पांच ऐसे समझौते किए गए किसके लिए, शांति के लिए। 29 अप्रैल 1954 को ये समझौता किया गया। उसके बाद भाई समझौते का कोई इतना फायदा नहीं हुआ, लड़ाई होनी थी तो सशस्त्र विद्रोह हो गया तिब्बत के अंदर, तिब्बत के लोगों ने हथियार उठा लिए और लड़ना स्टार्ट कर दिया चाइना के प्रति, क्यों, वो कब्जा कर रहा था, ये लड़ाई होने लग गई तो चाइना भारी पड़ रहा था उन पे, तो तुरंत वहाँ के जो हेड थे, जो धर्म गुरु थे जिनका नाम था दलाई लामा, उन्होंने बोला इंडिया को कि मुझे इंडिया में आने दो, मुझे इंडिया में शरण दो, ठीक है। नेहरू स्टैम मना कर रहे थे, बट धीरे धीरे जब लगा बात ज़्यादा बढ़ गई है तो दलाई लामा को ने कहाँ पे शरण दे दी गई भैया, इंडिया के अंदर, कब दी गई, तो 1959 के अंदर शरण दे दी गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अक्साई चीन, मतलब रोड बनाने स्टार्ट कर देता है इससे पहले इंडिया के अंदर कौन, चाइना, कब, 1957 से 59 में रोड बनाने स्टार्ट कर देता है इंडिया के अंदर, ठीक है। धीरे धीरे इंडिया पे कब्जा करने लगता है वो, अरुणाचल प्रदेश की तरफ रोड बनाने स्टार्ट कर देता है इस टाइम पे, और 1962 में हो जाती है हमारी वॉर, और इस वॉर की बिल्कुल दोस्तों संभावना नहीं थी कि वॉर होगी, क्यों, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है चाइना से, चाइना ने एक तरफा युद्ध छेड़ दिया था, हमारी तरफ से कोई युद्ध नहीं था, क्योंकि उस टाइम हमारी आर्मी जो थी इस साइड लगी हुई थी। अब मैप में समझते आराम से, पहले आपको ये पूरा मैंने क्लियर करा दिया ना, एक बार डेटे बता दो कौन कौन सी, ठीक है। 1949 में अभी पढ़ेंगे वॉर के बारे में भी, ये समझो 1949 में चीनी क्रांति हुई, चीन आजाद हुआ, हुई ना भाई चीनी क्रांति। 1950 पे तिब्बत पर कब्जे की बात करी गई, 1954 29 अप्रैल, मजा आ रहा ना भाई, एकदम कंटेंट क्लियर होना ना। 1954 में क्या हुआ, एकदम स्टोरी टाइप समझाया, हमने अच्छे समझ आ रहा होगा। पंचशील समझौता, ये एंड में पढ़ेंगे पंचशील समझौता क्या था, ठीक है, पंचशील समझौता एंड में पढ़ेंगे, बस ये समझो पांच, और पांच में से देखो दो तीन बताए देना जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए, बट पढ़ेंगे इसको एंड में अच्छे से। एक ये यार, युद्ध की संभावना ना बढ़ने देना, युद्ध की संभावना ना बनने देना, युद्ध ना होने देना, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करना, जब भी व्यापार होगा तो समान लाभ कमाना, तो ये सारी बातें रखी गई, ठीक है ना, ये पांच समझौते हुए थे इसी टाइप के। उसके बाद हमने पढ़ा 1957 से 1959 में क्या बन रही थी, रोड बन रही थी भाई,
अक्साई चेंज इसको बोला गया। फिर 1958 के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया, आर्म रेबिलियन, ठीक है, लोगों ने हथियार उठा लिए। 1959 में शरण दे दी गई किसको, दलाई लामा। और 1962 में एक तरफा वॉर छिड़ गई, इस वॉर में हम हार गए थे क्योंकि एक तरफा थी इंडिया वर्सेस चाइना। अब हम समझेंगे इस वॉर को हम हारे क्यों। ये थी टोटल डेट आपकी इसके अंदर जो आप लिख सकते हो दोस्तों, लिख लो इसे, चीज़ें सही दिख रही है वैसे आपको। तो अब समझो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंडिया और चाइना की वॉर के बारे में, कैसे वॉर हुई, पहले आराम से समझते इसको मैप में। ये देखो, इससे पहले हम पढ़ चुके थे कैसे वॉर की स्टार्टिंग होने वाली थी, ठीक है। अब वॉर के क्या क्या इफेक्ट पड़े इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे, कि वॉर के क्या क्या इफेक्ट पड़े इसको समझने के बाद पढ़ेंगे कि वॉर में हम क्यों हारे। पहले इफेक्ट पढ़ लेते फिर समझेंगे वॉर क्यों हारे। तो 1700 ये इफेक्ट पड़े हैं, ये इफेक्ट ही है दोस्तों। सबसे पहला इफेक्ट क्या, जब वॉर हुई तो हमारे 722 इंडियन सोल्जर मारे गए इसमें दोस्तों, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इसमें हम हार गए थे। उसके बाद नेफा जो था, अरुणाचल प्रदेश को नेफा ही बोला जाता है, देखो लिखा हुआ अरुणाचल प्रदेश को नेफा ही बोला जाता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका नेफा। एंड नेफा की फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या भाई, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, तो ये नेफा की फुल फॉर्म है। जल्दी से कमेंट करके बताओ नेफा की फुल फॉर्म क्या है, तो एक बार मैं बताता हूँ फिर तुम लोग कमेंट करो, ठीक है ना। क्या क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो वन मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है जो आपको क्लियर हो गया होगा। और कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्से पे हमारा क्या हो गया था दोस्तों, कब्जा कर लिया था चाइना ने, जो अभी तक कब्जा कर रखा है। तो ये सारे क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट पढ़ रहे हैं वॉर के, क्या क्या हमारे इफेक्ट पड़े। इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे आपके जो कौन थे, नेहरू जी, उनकी बहुत ज्यादा छवि गिर गई थी दोस्तों। क्यों, आप विदेश मंत्री हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप यही नहीं भाप पाए कि कौन अटैक करेगा, कौन नहीं अटैक करने वाला, ठीक है ना। तो इस चीज को भाप नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए, कौन, नेहरू जी। तो नेहरू जी की छवि क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा गिर गई थी इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। वी के कृष्णन मेनन नाम के, ठीक है, एक रक्षा मंत्री थे हमारे, डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने क्या छोड़ दिया था, मंत्रिमंडल ही छोड़ दिया भाई, ठीक है, गुस्सा हो गए थे नेहरू जी से। और काफी ज्यादा आलोचना इन्हें क्रिटिसाइज करा गया, किसको, नेहरू जी को, क्या भाप नहीं पाए इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। क्योंकि जब 1929 अप्रैल 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए थे इस चीज़ में, नेहरू जी खो गए थे, ठीक है, रिलेशन में। आप भी देखते हो आपकी गर्लफ्रेंड धोखा दे जाती है, प्यार में खोए रहते हो, पता है धोखा देगी, बट सोचते हैं नहीं यार नहीं देगी, दिल बोलता धोखा नहीं देगा। तो ऐसे ही चाइना ने कर दिया इंडिया के साथ, बहुत बड़ा धोखा कर दिया, ठीक है, बाकी समझ गया होगा। और 1969 में संबंध सुधारने के लिए कहीं पे राजीव गांधी दे रखा, कहीं पे अटल बिहारी वाजपेयी दे रखा, ठीक है, ज्यादातर अटल बिहारी वाजपेयी दे रखा, तो आप ये लिख लेना, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे 1979 में संबंध सुधारने कहां पहुंचे, चीन पहुंचे थे, वो चाइना से कोई नहीं आया, इंडिया वाले पहले पहुंचे, ठीक है। पंचशील समझौता, अच्छा एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, पंचशील समझौता जो हुआ था वहां से कौन आए थे, चाउ एन लाई चाइना की तरफ से, और इंडिया की तरफ से कौन गए थे, नेहरू जी गए थे। और 1964 में हमने अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सेकंड चैप्टर जाके देखो, 1964 में भाकपा कौन थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसको तोड़ दिया गया था माकपा, ठीक है, दो बन गई थी। क्यों, ये माकपा किस विचारधारा की थी, तो आपकी जो चाइना में विचारधारा चलती है, ठीक है, कम्युनिस्ट, तो उस विचारधारा की थी, मतलब इसमें जो नेता थे वो चाइना वगैरह को फॉलो करते थे, चाइना वगैरह को बढ़ावा देते थे, इस कारण इसके नेताओं, कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सारे आपके क्या पड़े, वॉर के इफेक्ट। अच्छा वॉर हारे क्यों, इंडिया पाकिस्तान से स्टार्ट करने से पहले समझो हम वॉर कैसे हार गए। अब समझना एक चीज यहां पे, ध्यान से देखना, जब भी समझ आएगी आपका, ये पड़ रहा है चाइना इधर की साइड। अब क्या था उस टाइम पे, नेहरू जी, वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत तेज तगार के बंदे थे, उन्होंने भाप लिया था कि वॉर में हम पक्का वॉर करेगा चाइना, पक्का एक तरफा युद्ध छेड़ेगा, ठीक है, इसके लिए हम तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। अब हमें क्या डर था कि हम पे पाकिस्तान अटैक करेगा, हमें ये तो डर था। पाकिस्तान की बाउंड्री पे सारी एक्सपीरियंस वाली सेना थी, सारी की सारी, मतलब इससे वॉर होती तो जीतते ही जीतते, और हमेशा दो वॉर इससे जीत रही है। यहाँ पे हमने ऐसी सेना लगा दी थी जो न्यू भर्ती हुई थी, एजेड सेना, यहाँ पे ऐसी सेना लगाई थी क्योंकि हमें डर नहीं था कि चाइना हम पे अटैक करेगा, बट चाइना ने दोस्तों अटैक कर दिया, ठीक है ना। इस कारण हम इस वॉर में क्या हो गया था, इस वॉर के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं रहे थे, इस कारण चाइना ये वॉर हमसे जीत गया था। क्लियर हो आपको वॉर कैसे जीती गई थी भाई, आराम से क्लियर हो गया इतना। चलो बाकी चलते कंटेंट पे। हाँ, अब हमें बात करनी है इंडिया पाकिस्तान की वॉर, तो ये तो हमसे कभी जीतता ना, तो वैसे भी नहीं जीतेगा, ठीक है ना, फजूले हैं ये पाकिस्तान वाले। अब ये जो वॉर होती है क्या होती है, पहले इंडिया पाकिस्तान का जैसे बंटवारा होता है 1947 में, तभी वॉर हो जाती है। वॉर क्या हो जाती है, छाया युद्ध, इसको बोलते हैं शैडो वॉर, ठीक है। 1947 में शैडो वॉर हो जाती है, ये हाथ में दे दिया गया यूएनओ के हाथ में, सुलझाओ इस वॉर को भाई। यूएनओ बोलता है क्या करते हो रे, अभी आ जाते हो फिर स्टार्ट हो गए तुम, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या करा, इस वॉर को संभाला और वॉर को खत्म करवाया। फिर 1960 में फिर वॉर हो जाती है, सिंधु जल संधि, आपको पता है सिंधु जो
नदी है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पड़ती है, मतलब बोला जाता है कि दोनों की है, ठीक है, बट इंडिया बोलता नहीं है तो हमारी है भाई, तो हम क्या करते थे, पानी रोक देते, हमेशा पानी रोक देते, तो इस बार भी पानी रोक दिया गया 1960 में। वर्ल्ड बैंक बोलता है अच्छा बेटा पानी रोकेगा, तेज चल रहा है, फिर कर्जा मांगने लग गया वर्ल्ड बैंक किससे, इंडिया से, कर्जा दे दियो मेरा। इंडिया ने बोला कोई नहीं, अपना छोटा लड़का है, पाकिस्तान को दिक्कत की बात नहीं है, पानी छोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से इसको सुलझाया गया। अच्छा, जब वर्ल्ड बैंक ने सुलझाया तो दो, अब यहाँ से कोई गया होगा ना, तो यहाँ से नेहरू जी गए थे और वहाँ से आयुब खान आए थे, ठीक है। इस सुलझाई में कौन कौन गए थे, इंडिया से नेहरू और वहाँ से कौन आए थे आपके, आयुब खान, जनरल आयुब खान, इन दोनों के बीच ये संधि हुई थी। फिर इसके बाद क्या होता है, वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान की, कब होती है, 1965 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है, 1965 में वॉर ही हो जाती है, ठीक है ना, और हर एक साल बाद क्या होता है, समझौता होता है। तो 1965 में वॉर, 1966 में हुआ समझौता। अब ये वॉर समझना है, वॉर कैसे हुई, मैप में भी दिखाऊंगा अभी। गुजरात के कच्छ, आपको पता है जैसे इंडिया पड़ता है इधर की साइड, गुजरात पड़ता है आपका, यहाँ से पाकिस्तान ने गुजरात से एक सेना भेजी अप्रैल में, और ऊपर की साइड जो जम्मू कश्मीर पड़ता है यहाँ से अगस्त सितंबर में सेना भेजी, ठीक है ना। इसमें हमने बहुत गंदा वाला पछाड़ दिया था किसको, आपके पाकिस्तान को, एकदम सिस्टम हैंग कर दिया था, ठीक है ना, इतना समझ आ गया होगा आपको। अब समझना मैप के अंदर, देखो गुजरात वाला इलाका ये रहा दोस्तों, यहाँ पे सेना भेजी कब, अप्रैल के अंदर, कब, अप्रैल के अंदर भेजी, ठीक है, गुजरात के कच्छ में। फिर उसके बाद एक सेना भेजी यहाँ से पाकिस्तान ने अगस्त और सितंबर में, तो दो तरफ से सेना भेजी, दो तरफ से वॉर हो गई थी, ठीक है ना। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, और इस वॉर में हम क्या कर गए थे, जीत गए थे, तो पाकिस्तान वाला पोर्शन अपना फिनिश हो जाता है। और अगले ही 1965 में वॉर होने के बाद 1966 में क्या होता है, समझौता। इस समझौते में कौन आ जाते हैं भाई, यूएनओ बुला, वो यूएसएसआर बुलाता है, आ जाओ भाई ताशकंद, ताशकंद गए जाते हैं दोनों, कौन कौन, आपके नेहरू जी और आयुब खान। इस बार नेहरू जी तो मर गए थे, 1966 में कौन बन गए थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री और आयुब खान के बीच संधि होती है, और वहीं पर रहस्यमयी मौत हो जाती है, किसकी, आपके लाल बहादुर शास्त्री की, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा भाई बेहतरीन तरीके से। चलो नेक्स्ट पेज समझो। अब देखो दो देशों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तीसरा बांग्लादेश के बारे में पढ़ना है, और इसके बाद क्या है, किसके बारे में पढ़ना है हमें, अमेरिका और इसराइल के बारे में, बाकी हम सत्ता के नए केंद्र उनमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसराइल और अमेरिका के बारे में और पढ़ेंगे, ये अपना लास्ट है, इसके बाद फॉरेन पॉलिसी वगैरह पढ़ेंगे और एंड में पंचिंग समझौता, तो चैप्टर अपना फिनिश होने वाला, बट डटे रहो, चैप्टर फिनिश होने वाला, बाकी मजा बहुत आएगा क्योंकि ये चैप्टर हमने स्टोरी ही समझा है। तो एक और प्यारी स्टोरी आ गई है, इसको आराम से समझना है इस स्टोरी को, ठीक है ना, ये क्लियर ही हो जाएगा एकदम से, हमें मैप में समझनी है सारी चीज़ें। अब मैप में समझना, 1947 में जब आज़ाद हुआ था भाई इंडिया, पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया था, तो इसको बांग्लादेश को, अब बांग्लादेश बोलते हैं ना, इसको पहले बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान, क्या बोला जाता था, पूर्वी पाकिस्तान, इसको क्या बोला जाता था, पश्चिमी पाकिस्तान, नहीं पता तो बता रहा हूँ, पश्चिमी पाकिस्तान। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आती होगी, हमेशा सीधा हाथ क्या होता है, पूरब, सीधा हाथ हमारा क्या है, पूरब, तो ये पूरब और यहाँ से ये पूरब, ठीक है। तो ये जो बंगाल है इसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं भाई हम, अरे जब है तो पूरब की साइड तो वेस्ट बंगाल क्यों बोला जाता है, तो इस चीज़ को समझना, जैसे मान लो पूरा बंगाल था, तो इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड करा, तो जो डिवाइड करा, जो पूर्वी वाला हिस्सा था, अभी तो ये पूर्वी वाला हिस्सा है ना, तो पूर्वी वाला हिस्सा बन गया बांग्लादेश, हमारे पास कौन सा बंगाल रह गया, पश्चिम वाला, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इधर जो बंगाल है इसको बोला जाता है पश्चिमी बंगाल, ठीक है ना, है पूर्व साइड पर, बोला किस लिए जाता है पश्चिम बंगाल, क्योंकि हमारे हिस्से में ही आया था भाई पश्चिमी बंगाल, समझ आ गया इतना। अब समझना यहाँ की स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी है, आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगी। अब भाई पूर्वी पाकिस्तान में क्या हुआ, ये यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी वही है और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी वही है, अब ये इन पर उर्दू भाषा थोपने लग गया, बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लग गया, उर्दू भाषा थोपने लग गया, तुम्हें उर्दू बोलनी है, उर्दू बोलनी है, ये लोग परेशान हो गए, भाई हम तो बंगाली बोलते हैं, हम इतने सालों से बंगाली बोलते हैं, एकदम से उर्दू कैसे बोल देंगे, ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब क्या हो गया, इन्होंने यहाँ पे करा दिया इलेक्शन, इन्होंने बोला इलेक्शन कराओ भाई, इलेक्शन कराओ, तो यहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है शेख मुजीबुर रहमान, क्या नाम है भाई, शेख मुजीबुर रहमान, और ये एक पार्टी बनाता है जिसका नाम होता है अवामी लीग, कौन सी पार्टी, अवामी लीग, अवामी लीग बनाई शेख मुजीबुर रहमान ने। अब ये इलेक्शन बहुत भारी मतों से जीत जाती है अवामी लीग, उसके बाद ये बोलता है मैं नहीं मान रहा इलेक्शन, कौन से इलेक्शन, क्या हुआ, इसको पकड़ के डाल दिया जेल में, जेल में डाला, बहुत ज़्यादा सेना भेज दी इन्होंने, लगभग 90,000 सेना बुक में दे रखी है, गूगल पे 93,000 सेना दे रखी है, आप कोई से भी लिख देना जो ना आएगी, ठीक है ना, 90,000 बुक में दे रखी है, एनसीईआरटी के थ्रू 90,000 दे रखी है, और वैसे 93,000। तो ये सेना यहाँ पे आई, सेना आने के बाद ये इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करने लगे, वॉयलेंस करने लगे, हिंसा करने लगे, अब लोग डर डर के कहाँ भाग रहे हैं, इंडिया, बस इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, आई से इंडिया, आई से आपकी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने बोला भाई, और देखो मेन बात थी इंडिया की गेम थी, बांग्लादेश को आजाद कराना बहुत ज़्यादा जरूरी था, नहीं तो फिर इंडिया का पास्ता बन जाता, ठीक है ना, यहाँ से बेटा है, यहाँ से बेटा है, तो इसको इसको वो कराना
आजाद कराना पूरा मकसद था, ठीक है, इंडिया का। इस कारण इंदिरा गांधी क्या है भाई, इंदिरा गांधी ने अपनी अब सेना भेजी यहाँ पे। जैसे इंदिरा गांधी ने सेना भेजी, तुरंत ये किसमें था, नाटो में, अभी बताया ना ये नाटो में था, इसने तुरंत फोन घुमा दिया किसको भाई, अमेरिका को, बोला शिप लेके आ जा भाई। इंडिया को बोला, इंडिया ने बोला कि वहां से सैनिकों को छोड़ दो, नहीं तो आपको आपको जो आपकी टक्कर होगी फिर हम आर्च होगी। इंडिया ठस्से ठस्से में किससे मिला था, रशिया से, इसी कारण मिला था रशिया से। तुरंत रशिया को फोन करता, रशिया क्या करता भाई, अपनी वो लेके आता है यहाँ पे शिप, और जब रशिया की शिप को देख लेता अमेरिका, तो अमेरिका ठस्सा खा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, 90,000 सेना किसकी, 93,000 सेना पाकिस्तान की थी, और हर एक सेना के पीछे अपने चार चार कमांडो खड़े थे, वो एक है तो चार, तो 93,000 सेना जो हजार थी, इन्होंने एक साथ आत्मसमर्पण करती है कौन, आपकी बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की सेना, और सारे हाथ खड़े कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, बांग्लादेश को आजाद कर दिया जाता है और सेना को वापस भेज दिया जाता है जहाँ से आई थी, चल बेटा ठस्सा खा जा। तो आपको ये पूरी स्टोरी एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक बार फिर रिकैप करा देता हूँ जो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। दो पाकिस्तान थे, पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के अंदर आपका कौन था, शेख मुजीबुर रहमान लीडर बन गया था, अवामी लीग थी। यहाँ पे क्या करा गया, बहुत अत्याचार करा रहे थे, इलेक्शन कराया गया, इलेक्शन में अवामी लीग जीत जाती है भारी मतों से। शेख मुजीबुर रहमान को बात करी जाती है प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, बट ये मना कर देता है, बोलता है नहीं भाई कोई इलेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसको जेल में डालता है। जेल में डालने के बाद क्या होता है, और अत्याचार करने लगते हैं, भग भग के इंडिया के अंदर आने लगते हैं। इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी होती है, वो अपनी सेना भेजती है वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से तो 90,000 जाती है, लेकिन फिर ये यहाँ से चार गुनी सेना जाती है इंडिया से। फिर वो क्या करता है, अमेरिका को फोन करता है कि मुझे बचाओ, और वहाँ से इंडिया रशिया को फोन करता है, रशिया आता है, अमेरिका ठस्सा खा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, इंडिया जो है आजाद करा देता है आपके बांग्लादेश को। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा बांग्लादेश को किस तरीके से आजाद कराया गया। तो हमने इसमें तीन चीज हाईलाइट करनी है, इलेक्शन कब हुए, वॉर कब हुई, समझौता। तो वो आजाद कब हुआ, 1971 में, मतलब वॉर कब हुई 1971 में, एक साल पहले इलेक्शन एक साल तो पहले हुए, यानी 1970 में होते हैं इलेक्शन, 1971 में होती है वॉर, 1972 में आपका शिमला समझौता होता है, यानी शिमला के अंदर बुलाया जाता है किस किस को, शिमला के अंदर आपके आते हैं कौन, अली, यहाँ से आते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तरफ से, और इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच समझौता होता है सर्दियों में शिमला में, समझ गए होगे, बहुत ज़्यादा सर्दी है, फुल मजे करे दोनों ने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो वाले मजे नहीं बोल रहा दोस्तों, कहीं सोचो। तो ये आपको बांग्लादेश वाली पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी, ठीक है। 1970 में इलेक्शन, 71 में वॉर, 72 में समझौता। अब आओ परमाणु नीति, परमाणु पॉलिसी क्या थी इंडिया की, अब समझ रहे अच्छे से क्या परमाणु पॉलिसी थी इंडिया की क्या था। तो 1964 के अंदर दोस्तों क्या होती है वॉर, 1960 वॉर के, और वॉर बोलता हूँ, 1964 के अंदर चाइना परमाणु परीक्षण करता है, चाइना अपना बम बना लेता है। अब जैसे चाइना अपना बम बना लेता है, तो 1968 के अंदर जितने बड़े बड़े देश होते हैं सब बोलते थे अब कोई बम नहीं बनाएगा, मतलब एक ट्रीटी लागू करता है। अब इसने बोला अब कोई बम बनाएगा नहीं भाई, अब न्यूक्लियर बम नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत भेदभाव वाली नीति, एक भेदभाव वाली नीति होती है ना, भेदभाव वाली पॉलिसी थी, पॉलिसी सोलो भेदभाव वाली ट्रीटी थी। इंडिया ने इस पर सिग्नेचर नहीं करा, पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने भी इसमें सिग्नेचर नहीं करा, क्यों, क्योंकि बड़े बड़े देशों ने तो बन गए भाई परमाणु संपन्न देश, अब वो चाहते छोटे छोटे देश ना बने, इंडिया ने बोला नहीं हम तो बनाएंगे, ठीक है। अब कौन कौन से देश है जिन्होंने बना लिया था, तो ये याद रखने के लिए आपको बहुत प्यारी सी ट्रिक दूंगा, और यही यूएनओ के परमानेंट सदस्य, जो यूएनओ चलती है ना वर्ल्ड लेवल पे, इसमें पांच ऐसे सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है, अरे कोई एक भी बोलेगा ये नहीं होना चाहिए तो पूरे वर्ल्ड में वो नहीं होगा। तो पांच ऐसे कौन कौन से देश है, तो ध्यान से समझना, एक ट्रिक बोलो, बीएफ ने मांगी कार, बीएफ ने मांगी कार, क्या मांगी भाई, कार मांगी, किसने मांगी, बीएफ ने, तो बीएफ ने मांगी कार, बी से ब्रिटेन, एफ से फ्रांस, सी से चाइना, अमेरिका, रशिया, ठीक है। बी से क्या हो जाएगा, ब्रिटेन, एफ से फ्रांस, सी से आपका चाइना, ए से अमेरिका, आर से रशिया। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, ट्रिक बन जाएगी, यही ऐसे पांच देश थे जो मना कर रहे थे कि अब कोई परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है एनपीटी की, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, तो एनपीटी की फुल फॉर्म है। इसके बाद इंडिया ने और पाकिस्तान ने सिग्नेचर नहीं करे, तो इंडिया ने 1974 में भाई फर्स्ट परमाणु परीक्षण कर दिया, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था इंडिया ने। अब ये जैसे न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया इंडिया ने 1974 में, तो कहां करा, तो राजस्थान के पोखरण में, कहां पे भाई, राजस्थान के पोखरण में। अच्छा किसका योगदान था भाई, तो आपके होमी जहांगीर बाबा, ठीक है, पोखरण में करा था, होमी जहांगीर बाबा द्वारा बनाया गया था, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई होमी जहांगीर बाबा कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बनाना, थोड़ा सा बायोडाटा लिख दो, थोड़ा सा मजा आ जाए तो भाई क्लियर हो जाए कौन थे होमी जहांगीर बाबा, क्या जन्म हुआ, क्या थी चीजें, बताओ थोड़ा डीपली कमेंट करके। तो आपको क्लियर होगा 1964 में परमाणु परीक्षण चाइना ने करा, 1968 में एनपीटी लागू होती है, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, फर्स्ट परमाणु परीक्षण कर देता है इंडिया 1974 में। अब समझना 1974 में जैसे परमाणु परीक्षण कर देता है, फिर एक दोबारा एक और ट्रीटी लागू होती है 1995 में कि अब कोई नहीं बनाएगा, सीटीबीटी लागू होती है, अब किसी ने बनाया तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएंगे बहुत सारे, अब कोई नहीं बनाएगा, तो इस पर भी इंडिया साइन नहीं करता है, ठीक है 1955 के अंदर। अब समझ रहे हैं इस पर भी इंडिया ने साइन नहीं किए,
इसकी फुल फॉर्म सीटीबीटी की, तो दोस्तों कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो 1995 में और फिर 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण सेम जगह कर देता है इंडिया, कहाँ 1998 के अंदर सेकंड परमाणु परीक्षण हो जाता, और 1998 में ही दो मंथ बाद इंडिया के आपका पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण कर देता चंगाई की पहाड़ियों पर, कहाँ पे चंगाई की पहाड़ियों पर पाकिस्तान भी कर देता परमाणु परीक्षण 1998 के अंदर। तो ये था आपका पूरी परमाणु पॉलिसी, जो कि पूछ सकता दो तीन नंबर में आएगी तो लिख देना, ये थी पूरी परमाणु पॉलिसी जो आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अच्छा सीटीपीटी की फुल फॉर्म ठीक है, इतना लिख लिया होगा जल्दी से लिखो, लिख लिया नहीं लिखा दो, लिख लिया होगा इतना। अब सीटीपीटी की फुल फॉर्म क्या, लिख लो जल्दी से सीटीबीटी, कॉम्प्रीहेंसिव कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ठीक है। अब 1974 में हमने पहला परमाणु परीक्षण करा था भाई, इससे एक साल पहले 1973 में अरब और इसराइल की वॉर हो जाती है, फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे हम, सिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। अरब और इसराइल के बीच क्या हो जाती है, बहस हो जाती है, वॉर हो जाती है, दोनों ही तुम्हें पता तेल के खदान है भाई अरब इसराइल, दोनों के बीच जब वॉर हो जाती है इस वॉर के अंदर क्या हो जाता है आपका, बहुत ज़्यादा हड़ताल हो जाती है इंडिया के अंदर, रेल की हड़ताल हो जाती है ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम छठे चैप्टर में क्लियर करेंगे, बाकी इतना आपको समझ आ गया होगा। चलो लिखो इसे, अब अपना रह गया लास्ट पंचशील समझौता, इसके बाद अमेरिका और इसराइल के बारे में देखो ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ना क्योंकि उसमें क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बहुत कम चांस है क्वेश्चन बनेंगे, बाकी हम नॉलेज के लिए पढ़ लेंगे। पंचशील समझौता क्या था, देखो आराम से समझो, ये दो तीन पॉइंट में पहले बता चुका था। पहला, युद्ध की संभावना ना होने देना, युद्ध ना होने देना, ये पहला, वॉर ना होने देना ठीक है ना, वॉर की संभावना बननी नहीं चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे को क्या करना, समर्थन देना, इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे को भाई सपोर्ट करना अच्छे तरीके से। तीसरा पॉइंट आपको क्या बन जाता है, इंटरनल मामलों में इंटरफेयर ना करना, इंटरनल मामलों में इंटरफेयर ना करना। अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कभी फंस जाते हैं, जैसे इंडिया को कुछ बात आ जाती है या चाइना पे कुछ बात आ जाती है, तो दोनों सपोर्ट करेंगे वहाँ पे एक दूसरे को। अब मान लो कश्मीर मुद्दा चल रहा है, कश्मीर मुद्दे वो बोल रहा है चाइना पाकिस्तान को दे दो पाकिस्तान, तो ये हमारे इंटरनल मामला, कश्मीर अपना इंटरनल मामला है, तो उसमें इंटरफेयर अगर करेगा चाइना तो इंटरफेयर करने का यही मतलब होता है कि वो कश्मीर बोल रहा है पाकिस्तान को दे दो, वहाँ पे वो सपोर्ट कर रहा है, तो यही होता है इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करना, जो नहीं करना चाहिए ठीक है। चौथा आ जाएगा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, ये एग्जाम्पल इसमें फिट बैठ जाता है कश्मीर मुद्दे वाला ठीक है। इंटरनल मामलों में आप दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे अभी हुआ था क्या नाम है आपका, अभी वो चल रहे थे क्या नाम है किसान आंदोलन, किसान मूवमेंट वगैरह कर रहे थे, तो इस किसान मूवमेंट में क्या कर रहा है, चाइना बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है ठीक है ना, कि ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए, तो ये किसान मुद्दे सब क्या है हमारे, किसान मूवमेंट वगैरह हो रहे हैं इंटरनल मामले, तो इसमें चाइना कुछ नहीं बोलना चाहिए ठीक है ना। तो यही होता है कि आप इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करोगे। और क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्रीय यानी वो चाहता है कि कश्मीर किसके पास चले जाए, पाकिस्तान पे चले जाए, तो हमारी क्षेत्रीय अखंडता का कहां सम्मान कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो ये चार पॉइंट आपको क्लियर हो गएंगे। लास्ट पॉइंट ये बनता है पांचवा पॉइंट आपका बन सकता है समान लाभ। अगर ट्रेड हो रहा है तो उसमें दोनों को समान लाभ होना चाहिए भाई, ट्रेड के अंदर व्यापार के अंदर, ये नहीं आप ज़्यादा टैक्स लगा रहे हो इंडिया वाले कम टैक्स लगा रहे हैं, आप ज़्यादा टैक्स लगा रहे हो हमारा सामान बेचने के लिए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यही होता है पंच यानी पांच, शील यानी शांति। तो शांति के लिए आपके क्या हुआ, ये पांच समझौते हुए इंडिया और चाइना के बीच। इस टाइम पे चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए आपके, चीनी हिंदी भाई भाई। अच्छा कौन कौन था, तो नेहरू और आपके चाउमेन लाई। अब अपना छोटा सा टॉपिक रह गया इंडिया और वो वाला आपका क्या नाम है उसका, इतना क्लियर हो गया होगा आपको ठीक है ना। अब छोटा सा टॉपिक रह गया इजराइल और अमेरिका वाला, इसको भी जल्दी से क्लियर करते हैं भाई, समझना। देखो थोड़ा सा ग्लिच हो गया था तो मैंने हल्का सा उसमें बस लाइनें लूने खींच रखी है, बाकी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ठीक है ना। तो इस चीज को समझना, हल्की सी लाइनें खींच रखी है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो समझ तो आपको आ जाएगा। इंडिया और इजराइल के संबंध कैसे, रिलेशन कैसे, इस चीज़ को समझना। तो 1992 से हमारे रिलेशन की क्या हुई है भाई, शुरुआत हुई है। इंडिया और
जो इजराइल के रिलेशन की शुरुआत कब हुई है 1992 के अंदर, तो 2017 के अंदर आपके इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू, तो वह कहाँ आए थे, भारत का दौरा करा था और भारत की हर चीज में बहुत ज्यादा सपोर्ट और बहुत ज्यादा सहायता करता, कौन, इजराइल। और जब कोरोना का टाइम आया था तो इजराइल को भी हमने क्या दी थी, पैरासिटामोल दी थी, अमेरिका को पहुंचाई थी, तो हमने क्या करे, संबंध अच्छे बना के रखे हर किसी से। एंड रूस के बाद देखा जाए तो इजराइल जो है भाई सेकंड हथियारों का सप्लायर है, वो सबसे ज्यादा हथियार देता है सेकंड नंबर पे। और 1999 में जो करगिल वॉर हुई है वो इसी कारण हम जीत पाए थे, ठीक है। लेजर लाइट वगैरह जो होते हैं, लेजर लाइट गन किसके द्वारा दी गई थी, इजराइल के द्वारा। और कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा सहयोग करता, कौन, आपका इजराइल। इसलिए बहुत सारे जल संरक्षण के लिए, जल को बचाने के लिए इंडिया के अंदर बहुत सारे प्लांट लगवाए थे, किसने, इजराइल ने। और आर्थिक क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा समर्थन है, इकोनॉमिकल कंडीशन जो है अपनी इंडिया की ठीक ठाक, अब तो ठीक ठाक ही हो गई है, ठीक है ना। तो आर्थिक क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इजराइल। और कोरोना के टाइम इजराइल ने बहुत ज़्यादा सहायता, इंडिया ने बहुत ज़्यादा सहायता करी थी, किसकी, इजराइल की। तो नॉर्मल हमें पढ़ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, फिर भी हम ये है कि अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आपका अमेरिका के बारे में, तो शुरुआत में संबंध बहुत खराब थे, क्यों खराब थे, क्योंकि पाकिस्तान नाटो में था और दुश्मन का दुश्मन में कभी दोस्त नहीं बनता, ठीक है ना, इस कारण संबंध खराब थे। बट 1991 में जब यूएसएसआर टूटा, सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया था अमेरिका, और अमेरिका को पता लग गया था ट्रेड की बेस्ट जगह कौन है, इंडिया। तो संबंध सुधारता गया इंडिया, और इंडिया भी सुधारता गया, अमेरिका भी सुधारता गया, और वर्तमान में बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध है। और आपकी एक कंपनी है बोइंग कंपनी इंडिया, उसकी क्या नाम है, उसका, अमेरिका की, उसके अंदर 35% कर्मचारी कौन है, इंडिया के ही है। मतलब जितनी भी तुम और नोटिस कर लो, जैसे गूगल, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा योगदान भारतीयों का है, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ, जो कि जैसे गूगल देख लो, ठीक है, ट्विटर, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, सबके सीईओ कौन है, आपके भारतीय ही है। तो वहाँ की कंपनियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इंडिया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाता है अमेरिका हमसे। तो इतनी आपको चीज़ें समझ आ गई होगी, यही था। और लास्ट पॉइंट बस ये समझ लो कि जितना भी जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, तो सॉफ्टवेयर भी 65% से ज़्यादा निर्यात होता है, कहाँ पे, आपके अमेरिका के अंदर। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, यही पढ़ा हमने इंडिया और इसके बारे में, आपके अमेरिका के बारे में। तो लगभग अपना चैप्टर जो है दोस्तों फिनिश हो गया है, ठीक है, सभी पढ़ लिया हमने एकदम अच्छे तरीके से, और मज़ा आ गया इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से, आपको स्टोरी टाइप ही समझा दिया मैंने पूरा चैप्टर। तो आपको अब कुछ नहीं करना, छोटा सा काम करना है, ये आपको दिख रहा होगा 332 फॉलोवर्स है, इस फॉलोवर्स को बढ़ाओ, वीडियो भी सही जा रही है अच्छे तरीके से, और वीडियो पूरी खत्म हो चुकी है, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 5th चैप्टर के साथ।